राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हैं कार्तिक कस्टम। सो इसके पिछले वीडियो में जो हमारा भैंसा घाट का था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों को पसंद आया मेरी एडिटिंग और मेरी मेहनत, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज आप ये वीडियो क्यों खोले हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड है प्रखर, वही है हमारे साथी, तो उनके पास है CBR 250R, जो कि बचपन का यार सबका क्रश हुआ करता था, क्योंकि ये गाड़ी लॉन्च हो गई थी 2011 में और 2011 में ये जो परफॉर्मेंस दे रही थी 25 BHP और वाइट टायर्स, तो वो सब के तो भाई फैन ही थे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो सीधे बाइक को दिखाते हैं, बट उसके पहले आप थोड़ा सिनेमैटिक देख लो। तो ये है CBR 250R 2014 मॉडल। भाई जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना 2011 में, क्या क्रेज था इस गाड़ी का, क्योंकि इस टाइम इतना पावर डिलीवरी और इतना वाइड सेक्शन के टायर नहीं थे, तो जो कि इसमें आया था, क्योंकि मैंने जब 2013 में पल्सर 220 ली थी तो उसके एक साल पहले शायद ड्यूक लॉन्च हो गई थी जनवरी में 2012 में। तो भाई जब ये लॉन्च हुई ना 2011 में, बहुत ही क्रश बन गया था। और ये 2014 का मॉडल है, वो फुल्ली फुल मेंटेन्ड है, आपको यकीन नहीं होगा गाड़ी सिर्फ 11,000 ही चली हुई है 2014 से। तो भाई अगर गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो पावर डिलीवरी की बात करें, तो ये 25 BHP पावर देती थी उस टाइम से अभी तक, और लगभग 22 या 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क है लगभग टॉप स्पीड इसकी, अभी हम चला के चेक कर लेंगे। बाकी वही मुझे लगा कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यूड हो गई है, CBR अभी एक तरह से, होंडा अभी एक तरह से गाड़ी भी लॉन्च नहीं करे बाहर इंडोनेशिया मार्केट में, या आउट ऑफ इंडिया या एशिया में गाड़ी लॉन्च हो रही है नई निंजा 300 250R का भी शायद अभी प्रोटोटाइप आ गया है कि लॉन्च होगी BS6 वर्जन इंडिया में, बट उसकी भी लॉन्च डेट अभी क्लेरिफाई नहीं हुई है कि कब होगी। बाकी ये गाड़ी तो प्यार ही था सबका और अभी चलाने को मिल रही है, तो अब सीधे गाड़ी को बैठते हैं, चलाते हैं, देखते हैं कि अभी कैसी चल रही है। तो फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं, देखते हैं हर एक गियर में कितनी टॉप स्पीड है और कितनी टॉप स्पीड जा सकती है। मेरे ख्याल से 145-142 चली जाएगी अभी विद स्टॉक एग्जॉस्ट में बिना किसी मॉडिफिकेशन के। बाकी बात कर लिया जाए तो इस गाड़ी में ABS नहीं है, डुअल चैनल ABS नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो बस यही था। तो आज ऐसी शाम थी तो हम सोचे निकल आएँ, आपको थोड़ा ये रिव्यू कर दें, दिखा दें। तो गाड़ी तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, आप सीधे मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉक पे। ऑलराइट गाइस, तो अब चलाते हैं भाई की CBR 250R। डिसकंटिन्यूड हो गई है बाइक, लेकिन अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें तो बहुत ही कम्फर्टेबल है, ठीक है, एकदम सुपर स्पोर्ट वाली फील आ रही है, क्योंकि टैंक एकदम ऊपर है और वो हमारी GT चालू हुई। तो यह है इसका एग्जॉस्ट नोट, 10,500 RPM तक का है। यह हमारी ब्यूटीफुल GT, भाई चल तो बहुत ही स्मूथ रही है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, और राइडिंग पोजीशन की बात करें बहुत ही अच्छी सुपर स्पोर्ट फीलिंग आ रही है डाउनहिल जाते हुए। हाँ बिल्कुल, गाड़ी की क्लच प्लेट भी ठीक ठाक है, लगभग 10% जल गई है ऐसा लग रहा है, बाकी ब्रेकिंग अच्छी है, ABS नहीं है बट फिर भी ब्रेकिंग अच्छी है, टायर अभी थोड़ा बहुत ग्रिप पकड़ रहा है। चलो अब गाड़ी को थोड़ा पुश करते हैं, सही है, गाड़ी का पिकअप तो अच्छा आ रहा है, वाइब्रेशन नहीं है,
और ये विंड स्क्रीन के लिए हम झुक भी सकते हैं। तो एक सेकंड रुक के देखते हैं फर्स्ट गियर से कि क्या कैसा सीन है। ऑलराइट स्टार्ट करते हैं, 3 2 1। थर्ड गियर 100, चौथा गियर 5वां गियर 130 हो गई है गाड़ी। छठवा गियर 142, और जा सकती है, और जा सकती है। बहुत स्मूथ यार, मतलब 145 जा रही है गाड़ी और बहुत ही स्मूथली, मज़ा आ गया भाई। विली मार के भी हम देख सकते हैं, यहाँ लोकेशन काफ़ी अच्छा है। बहुत शानदार, अच्छी तो विली पड़ रही है। मतलब यार सही है, गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी और चल भी मस्त रही है। तो गाड़ी लगभग थर्ड गियर 100 और टॉप देखा जाए तो 145। ब्रेकिंग क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी। सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन भी अच्छा है। पीछे वाला थोड़ा लूज़ है और आगे वाला स्टिफ है, तो जिससे हाई स्पीड में वॉबलिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये गाड़ी भी मस्त लेजेंड थी, बट अब नए नए इंजन्स आ गए हैं तो इसमें देखते हैं कि अपग्रेड जो आने वाला है, 250 आर आएगी या 300 आर आएगी। तो जो भी आएगी तो उसमें होंडा तो अपना कमाल दिखाएगा। 2011 की ये मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है, 2014 की, तो देखते हैं कैसा क्या सीन होता है। बाकी भाई मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ इंजन, 10,500 RPM तक एकदम मस्त पावर डिलीवरी, लगभग 6,000 RPM से मिलने लगती है और बहुत ही स्मूथ चलती है भाई। मतलब मज़ा आ गया, अब मेरे को भी लग रहा है कि जल्दी से हमारी ZX10R आए, फेयरिंग वाली बाइक चलाने का मन कर रहा है। जैसे पहला ही गियर होगा 170 180। तो भाई कसम से मज़ा आ गया। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, होप आपने एंजॉय किया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।